सेल्फटिस ये उस बीमारी का नाम है जो आज हम सभी को हो चुकी है। सेल्फटिस यानी सेल्फी लेने की बीमारी। अगर आपको हर रोज सेल्फी लेने की आदत है तो आप भी सेल्फटिस बीमारी से ग्रसित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फी लेने से कोई बीमारी कैसे हो सकती है। पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के रिपोर्ट देखने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हर रोज 4 से 5 मरीज यहां इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने इस बीमारी को नाम दिया है सेल्फटिस। अगर आप रोजाना 3 से 4 सेल्फी लेते हैं तो यकीन मानिए आप भी कहीं ना कहीं सेल्फटिस बीमारी का शिकार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको इन 3 आदतों की लत है तो आप भी सेल्फटिस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन में 3 से ज्यादा सेल्फी लेना, हर समय सोशल मीडिया पर अपने सेल्फी पोस्ट करना, सेल्फी लेते ही इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बेचैनी, रोज स्टेटस चेंज करने की आदत। अगर आप इन 4 आदतों के शिकार हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। पोस्ट पर रिएक्शन ना मिलने से डिप्रेशन का शिकार होंगे, रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, काम करने की क्षमता कम होने लगेगी, सामाजिक दायरे को नजरअंदाज करने लगेंगे, परिवार से अलग थलग रहने लगेंगे, अपने में ही अलग मोबाइल में व्यस्त रहने लगेंगे। नॉटिंगम ट्रेड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस हालत की सबसे पहले पहचान की थी। हर दिन अपनी सेल्फी लेकर कम से कम 5 से 6 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले खास तौर से सेल्फाइटिस बीमारी से पीड़ित माने जाते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि इंस्टाग्राम पर हर 10 सेकंड में 1000 सेल्फीज पोस्ट की जाती है। हर दिन 93 मिलियन सेल्फी खींची जाती है। मतलब सोचिए कि यह कितनी घातक बीमारी है जो आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। यह बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ये बीमारी आपके जिंदगी में मुश्किल ला सकती है, आपके खुशहाल जीवन को खराब कर सकती है।